ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु। दर्शकों, अगर आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ चुकी है, कोई कष्ट आ चुका है, शरीर में कोई ऐसा कष्ट है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके शरीर में चर्म रोग हो गया है, किसी भी आपकी शरीर की समस्या हो, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन का ये उपाय जरूर से करना चाहिए। उपाय कैसे करना है दर्शकों, आपको चलिए विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो दर्शकों, आपको लेकर के आना है एक बेलपत्र, और एक बेलपत्र जब आप लेकर के आए तो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको सुबह के समय चले जाना है शिव जी के मंदिर। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि शिव जी के ऊपर आपको जल चढ़ा लेना है, शिव जी की आपको पूजा अर्चना कर लेनी है। और इसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र आप लेकर के गए हो उसके बीज वाली जो पत्ती है वहां पर आपको लगाना है पीला चंदन। पीला चंदन जब आप लगा लेते हैं उसके बाद में जो दाई और बाई पत्ती है उसके ऊपर भी आपको लगाना है लाल चंदन। ध्यान रखें, बीच की जो पत्ती है ऊपर वाली वहां पर आपको पीला चंदन लगाना है, और जो दाई बाई वाली पत्ती है वहां पर आपको लाल चंदन लगाना है। इसके पश्चात जो नीचे वाला हिस्सा होता है बेलपत्र की, जो डंडी का स्थान होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। और इसके पश्चात आपको क्या करना है कि इस बेलपत्र को आपको जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर आपको रख देना है। और इसके बाद में आपको मंत्र बोलना है जो कि ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, और जो भी भगवान शिव का मंत्र है वह आपको बोल करके और उस बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। एक लोटा जल आपको लेना है और उसको आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और लास्ट में जब थोड़ा सा जल बचे तो उस थोड़े से जल को आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी चढ़ा देना है। इसके बाद दर्शकों, आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाई है उस बेलपत्र को उठा करके या तो किसी नदी में प्रवाहित कर देना है, या फिर कोई जो पेड़ होता है उसके नीचे रख करके और मिट्टी से दबा देना है। और यहाँ पर भी आपको एक लोटा जल धीरे धीरे चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोल लेनी है। अगर आप दर्शकों सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी जो मनोकामना है जरूर पूर्ण करेंगे, और 3 माह के अंदर आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, आपको उपाय कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।